नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन वेरियस फील्ड के यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एसएससी जीडी ईपी पुलिस की एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं उस प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लेटेस्ट जब भी अपडेट हो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं अमृतसर, पटना, दिल्ली, अलीगढ़। हमारा राइट आंसर है ए अमृतसर। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना था और मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद। हमारा राइट आंसर है बी गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर को 1670 में मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर है सी 1664 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के अर्थमंत्री कोलवर्ट के प्रयास से 1664 में स्थापित किया गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना भारत में सूरत में 1668 में स्थापित किया। दूसरा कारखाना 1669 में मसूलीपट्टम में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? ऑप्शन से मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। हमारा राइट आंसर है डी मंगल और शुक्र। पृथ्वी के दोनों ओर मंगल और शुक्र ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन है यशोदा, अनुजा, त्रिशला, देवानंदी। हमारा राइट आंसर है सी त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो वैशाली के कुंडग्राम के प्रमुख थे। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन हैं शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। हमारा राइट आंसर है सी बाबर। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन हैं 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। हमारा राइट आंसर है ए 1930 में। नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया, जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ भुज जिला के दांडी तट गांव से यात्रा की गई, जो 16 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किया था? ऑप्शन हैं के कामराज, भक्त वत्सलन, राजा जी, टी प्रकाशन। हमारा राइट आंसर है सी राजा जी। दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन राजा जी द्वारा किया गया। राजा जी का पूरा नाम चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, जो भारत के महान नेताओं में एक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल राजा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा?
ऑप्शंस हैं अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। हमारा राइट आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह बात बाल गंगाधर तिलक द्वारा कही गई। तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तिलक ने होम रूल आंदोलन भारत में सर्वप्रथम शुरू किया, जो 1916 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोवेरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। हमारा राइट आंसर है डी, महाराष्ट्र। अजंता और एलोवेरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं। अजंता और एलोवेरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। अजंता में कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में 6 ही शेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में है? ऑप्शन से भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया। हमारा राइट आंसर है ए, भारत। विश्व में अभ्रक का सबसे ज़्यादा निर्माता भारत है। भारत अकेला विश्व का 90% अभ्रक का उत्पाद करता है। भारत में झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान राज्यों में पाया जाता है माइका बनाया उपजाया जाता है। भारत के कुल अभ्रक उत्पादन का आधा राजस्थान में यानी 51% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। हमारा राइट आंसर है सी, कर्नाटक। बांदीपुर वन जीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर वन जीव अभयारण्य की स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन से गंगा, महानदी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। हमारा राइट आंसर है बी, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। हीराकुंड विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है? ऑप्शन से नासिक, पुणे, मुंबई, सोलापुर। हमारा राइट आंसर है ए, नासिक। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु नासिक है। गोदावरी नदी नासिक जिले के पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रिवेंग गांव की एक पहाड़ी से निकलकर 1465 किलोमीटर यात्रा कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान से लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन से अगस्त 1547, नवंबर 26 1949, जनवरी 26 1950, जनवरी 30 1948। हमारा राइट आंसर है सी, जनवरी 26 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लेटेस्ट वीडियो जब भी अपडेट हो आप तक पहुंच पाए।